बिना फेल गेहूं के आटे के शक्करपारे, जो ना फटेंगे ना ही खराब होंगे, ना आपको चाशनी बनाने की जरूरत है और ना ही शुगर को ग्राइंड करने की। ये शक्करपारे इतने ज्यादा खस्ता बनेंगे कि हाथ लगाने पर ही टूट जाएंगे। फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी को सभी लोग बड़े चाव से खाएंगे, चाहे बच्चे हो या बड़े। इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लीजिए जिसमें गेहूं के आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर सके। तो मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे छान लीजिएगा। मेजरिंग करने के लिए कप ना है तो फिर आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच लौंग इलायची का पाउडर लेना है। अगर आप इलायची का पाउडर ही यूज करेंगे तो फिर आप 2 चम्मच लीजिएगा। इन्हें मिक्स कर दीजिए और इन्हें बच्चे और बड़े चाव से खाएंगे और थोड़ा सा स्पेशल फ्लेवर भी आए। तब हमने क्या किया है, घर का जो प्रसाद वगैरह में नारियल सूखा रहता है ना, उसको कद्दूकस करके ऐड कर दिया है। मार्केट में नारियल का जो बुरादा मिलता है ना, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे 1 कप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मोयन के लिए 1 कप घी लेंगे, तो इसे मैंने गर्म करके मेल्ट कर लिया है। अभी थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसके बाद मिक्स करेंगे। अगर जरूरत है तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। घी ऐड ना करना चाहे तब ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी से बहुत ही खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार होते हैं। मीठी चीजों में घी के मोयन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसे मिक्स कर देंगे ताकि आटे के रबे रबे पर घी अच्छे से मिक्स हो सके। जरूरत है तो थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे और फिर से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वाइंडिंग आ चुकी है। इसी प्रकार से मोयन ऐड करेंगे। 2 कप शुगर लिया था, 1.5 कप यानी कि 1.5 कप गुनगुने पानी में घोलकर शुगर सिरप बना लिया था, तो 1 कप अभी ऐड कर देंगे। बाकी का जरूरत के अनुसार ऐड करते जाएंगे। स्पून की मदद से शुगर सिरप को आटे में मिक्स कर देंगे। रेसिपी को पूरा देखिएगा तब आप सीक्रेट जान पाएंगे। जैसा कि हमने स्पून से मिक्स किया है तो यहाँ शुगर सिरप और ऐड करना पड़ेगा, तो हमने 1/2 कप शुगर सिरप को और भी ऐड कर दिया है। शुगर की क्वांटिटी कम ज्यादा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। शुगर सिरप के साथ मिक्स करना है, मसल मसल कर चपाती जैसा डो नहीं बनाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इसे बार बार उलट पलट करके मिक्स करेंगे। आटा एक सार होके शुगर सिरप में मिक्स हो जाएगा, डो जैसा बन जाएगा। बस हमें इतना ही करना है। इसे डायरेक्ट बनाएंगे, रेस्ट पर नहीं रखेंगे। आटे से थोड़े से डो को काटेंगे। इसे ना चकले पर थोड़ा सा मसल करके पेड़ा जैसा बना लेंगे और हाथों से थपथपाते हुए थोड़ा सा बड़ा करेंगे। किनारे फटे हुए हैं तो हाथों की मदद से थोड़ा सा सुधार सकते हैं। अब बेलन की मदद लीजिए, थोड़ा सा फ्लैट करते हुए आगे बढ़ाइए और एक मोटी रोटी जैसा बनाकर तैयार कर लीजिए। साइड पार्ट्स को नाइफ की मदद से कट भी लगा करके हटा सकते हैं। अपने मनपसंद साइज और डिजाइन में इन्हें तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक कम्प्लीट हो चुकी है, अब बारी है सेकेंड ट्रिक की, जो बहुत ही खास है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शक्करपारे हमने बना करके तैयार कर लिए है। सेकने के लिए घी या ऑयल आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टेम्परेचर हाई रख करके सेकना है। मेरे सजेशन के अनुसार गैस की फ्लेम हाई रखना है और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तभी इन्हें ऐड कीजिएगा। जैसे ही आप ऑयल में डालें ना, बुलबुले ऊपर तक आने लगे। ऐड करने के बाद बिल्कुल मत ना छुई, बुलबुले ऊपर तक आने लगे। ऐड करने के बाद ना इन्हें बिल्कुल नहीं छूना है, 2 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। इसके बाद इन्हें झारा से हिला सकते हैं। गैस की फ्लेम को हाई करके ही सेकना है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर्स बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से हमें सेक कर तैयार करना है, लेकिन पूरी तरीके से सेके नहीं है तो इन्हें 2 से 3 मिनट और सेकेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे तो ये अंदर से भी बढ़िया सेक जाएंगे। मेरी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो शक्करपारे कभी नहीं फटेंगे और ना खराब होंगे। पर ठंडे ऑयल में शक्करपारों को कभी ना डालें, ज्यादा क्वांटिटी में भी ना डालें, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो सेकने में टाइम लगता, इससे भी शक्करपारे फटते हैं। अब आपके आटे के शक्करपारे भी ऐसे ही खस्ता बनेंगे, जो मुँह में जाते ही घुल जाएंगे। ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करके इंडियंस किचन क्वीन को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी वीडियो के साथ।